मतलब न्यू ग्रोथ. इट इज द एक्सेसिव एबनॉर्मल एमलेस ग्रोथ ऑफ द सेल्स डिस्पाइट सीजेशन ऑफ द ग्रोथ स्टिमुलस. दिस इज द एपिथीलियल सर्फेस ऑफ द स्किन. इसके ऊपर एपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट है. जब ये सेल्स रिलेंटलेसली ग्रो करने लगते हैं, एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं, तो एक मोल की फॉर्मेशन होती है स्किन के ऊपर. और जब ये जो फॉर्मेशन है ये स्किन के ऊपर हो तब इसको एपिथीलियल ट्यूमर बोला जाता है, और जब ये मसल के ऊपर हो जब इसको मीजेनकाइमल ट्यूमर बोला जाता है. दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ अ हेल्दी सेल. ये कंट्रोल तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे म्यूटेशन हुई तो जो सेल है रिलेंटलेसली ग्रो करने लगा और ट्यूमर की फॉर्मेशन हुई. यहाँ पर जो जितने भी सेल्स हैं सारे मोनोक्लोनल हैं, मतलब एक ही पेरेंट सेल से जितनी भी डॉटर सेल्स हैं सब डिराइव्ड हैं. नाउ जो नॉर्मल सेल है वो कैसे कैंसर सेल में चेंज हुआ. जब नॉर्मल सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ा तो एक स्टेज आई विच इज़ द फर्स्ट स्टेज, मेटाप्लेजिक स्टेज. इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं. वेल डिफरेंशिएटेड मतलब कि जो सेल्स हैं दे आर बाउंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. और ये जो स्टेज होती है रिवर्सिबल स्टेज भी होती है. द सेकेंड स्टेज इज डिसप्लेजिया. इसमें जो सेल्स होते हैं मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड ये स्टेज पर रिवर्सिबल होती है. इसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है एनाप्लेजिया की स्टेज, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और ये इरिवर्सिबल स्टेज है. उसके बाद सेल जो है मैलिग्नेंट सेल में चेंज हो जाता है और फिर मेटास्टेसिस वाया द ब्लड और द लिम्फ और अल्सरेशन ऑन द सरफेसेस ऑफ द एपिथीलियम एंड द म्यूकोसा टेक्स प्लेस. जो मेटाप्लेजिया और डिसप्लेजिया स्टेज है ये हमें बेनाइन ट्यूमर्स में देखने को मिलती है, विच इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द मैलिग्नेंसी. एंड उसके बाद जो एनाप्लास्टिक स्टेज होती है और मैलिग्नेंट सेल होता है वो हमें मैलिग्नेंसी में चेंज देखने को मिलता है. ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसमें हमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता. प्लियोमॉर्फिज्म मतलब कि जो डॉटर सेल्स हैं वो अपने पेरेंट सेल से साइज और शेप में वैरी करते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. यहाँ पर जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है वो नॉर्मल होती है, विच इज़ 1:4. यहाँ पर हाइपरक्रोमेशिया देखने को मिलता है जिसमें जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म की रेशियो होती है वो इक्वल हो जाती है. यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डीपली बेसोफिलिक होता है, ब्लू कलर का दिखता है, और इसमें हमें एनिजोन्यूक्लियोसिस भी देखने को मिलता है इन विच द न्यूक्लियस इज कंसेंट्रेटेड एंड हम उसमें स्पॉट्स भी देख सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पोलैरिटी ऑफ सेल. यहाँ पे नॉर्मल होती है, बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो रैंडमली कहीं भी अरेंज होता है सेल के अंदर. यहाँ पर हमें एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स देखने को मिलते हैं. व्हेन द न्यूक्लियस इज कंसेंट्रेटेड एंड इट ब्रेक्स इनटू टू और थ्री पार्ट्स, तो तब हम उसको माइटोटिक फिगर्स बोलते हैं. यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो मेटाप्लाजिक और डिसप्लाजिक स्टेज में मिलते हैं, यानी कि जो स्टेज होती है वो रिवर्सिबल होती है. यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो एनाप्लास्टिक स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज में देखने को मिलते हैं. जो सेल्स होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए उनका डिस्टेंस स्प्रेड नहीं होता बेनाइन ट्यूमर्स में, एक्सेप्ट हिमेंजियोमा, जिसके अंदर जो कैप्सूल होता है वो नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस स्प्रेड नहीं करता. लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं इनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती और ये उसको तोड़कर बॉडी में जगह जगह जाकर सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाते हैं और अल्सरेशन भी करते हैं. नेक्स्ट इज ये जो बेनाइन है ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन ये जो मैलिग्नेंसी होती है वो बहुत रैपिडली होती है बॉडी के अंदर. इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट होती है, वो अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंसी होती है उसके अंदर ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़कर और उसको इन्वेड कर ब्लड में जाकर या लिम्फ में जाकर बॉडी में सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाते हैं, एंड इसमें जो प्रोग्नोसिस होते हैं पेशेंट के वो पुअर रहते हैं इसीलिए.